नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सुजालपुर, राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बुधवार को मंत्रालय में विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिक्षा ग्रहण करने योग्य आयु का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। कोरोना संकट काल में चल रही ऑनलाइन क्लासेस की केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार संचालित किया जाए। प्राथमिक शाला के बच्चों को भी उनकी क्षमता के अनुसार रुचिकर गतिविधियों से जोड़कर प्रारंभिक अक्षर ज्ञान एवं अंक ज्ञान दिया जाए। प्राथमिक शालाओं में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई जाए। यही नहीं, मंत्री परमार ने प्रवासी श्रमिकों, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ परिवारों के बच्चों को भी स्कूली शिक्षा से जोड़े जाने पर भी जोर दिया है। कोरोना संकट खत्म होने पर शासकीय शालाओं में नियमित प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। जिला शिक्षा अधिकारियों एवं विकासखंड शिक्षा कार्यालयों में सहायक संचालक के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए कार्य योजना बनाई जाए। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण समी और आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के सभी अभिभावकों, विद्यार्थी भाइयों, आप सबसे को नमस्कार। हमारा घर हमारा विद्यालय मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने प्रारंभ किया है। कोरोना के इस संकट के काल में हम सब जानते हैं कि विद्यालय प्रारंभ करना कठिनाईपूर्ण कार्य है, लेकिन शिक्षा की निरंतरता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए हमारे शिक्षक घर घर जा कर के और परिवार में मिल कर के, अभिभावकों से मिल कर के, विद्यार्थियों से मिल कर के एक शिक्षा का एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपने घर को ही विद्यालय का रूप देने का कार्य कर रहे हैं। घर घर तक पुस्तकें पहुंचाने का काम किया गया है, ताकि हमारे विद्यार्थी घर पर रह करके अभिभावकों के साथ मिलकर के, पालकों के साथ मिलकर के और शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग को, विशेष करके हमारे शिक्षकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, विद्यार्थियों की शुभकामना देता हूँ। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.